सीटीवी के मोस्ट पॉपुलर शो तुझसे राब्ता से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको बताते ही रहते हैं। वहीं चलिए बात कर लेते हैं अगले एपिसोड की। एपिसोड की शुरुआत होती है जब गोदावरी से सब सवाल करते हैं, आखिर उन्होंने भागने का डिसीजन क्यों लिया। गोदावरी कहती हैं कि मैं विक्रम की पहली चॉइस नहीं थी, वो पहले कल्याणी को पसंद करते थे। तभी कल्याणी पूछती है कि विक्रम से शादी न करने का कोई रीज़न है। तभी आउसा बीच में आ जाती हैं, गोदावरी विक्रम से शादी करना चाहती है। गोदावरी को विक्रम का फ़ोन आता है और वो हॉल छोड़ देती हैं। मल्हार को पवार का फ़ोन आता है कि अवनी हॉस्पिटल में है। मल्हार हॉस्पिटल पहुंचता है। पवार कहते हैं कि उनकी पत्नी अवनी को यहाँ ले आए हैं, वो बेहोश थी। जिस तरह से डॉक्टर का कहना है कि ये तनाव के कारण उन्हें पैनिक अटैक आया है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है अगर ये एक बार फिर से होता है तो वो अपने बच्चे को खो देंगी। पवार का कहना है कि हॉस्पिटल के लड़के ने छुट्टी ले ली है और भाग गया है, लेकिन वो उसे खोजने की कोशिश कर रहा है। हॉस्पिटल का लड़का दवाओं की पर्ची लेकर आता है। मल्हार उसे एक बार भी पहचान लेता है। वो बताता है कि मल्हार को पिछली नौकरी से हटा दिया गया था क्योंकि मल्हार ने उसके खिलाफ शिकायत की थी। अगर वो महिला को पहचानता है तो मल्हार उसे नहीं हटाएगा। घर पर कल्याणी आओ साहब को विक्रम के गुस्से के बारे में अनुप्रिया को बताते वक्त सुनती है। मल्हार ने विक्रम के साथ लड़ाई की और खुद के लिए एक छेद खोदा। वो मल्हार की पत्नी की परवाह करती है, वो बहुत छोटी है और मल्हार के बिना वो कैसे जीवित रहेगी। मल्हार अपनी कार तक पहुंचते हैं कि तभी कोई उनके सर पर रॉड मार देता है। मल्हार बेहोश हो जाते हैं, जिसके बाद विक्रम हंसते हुए कहता है अब तुम्हें कौन बचाएगा। वहीं आओ साहब कहती हैं कि अवनी हॉस्पिटल में कल रात को ही एडमिट हुई हैं, अगर कल्याणी मल्हार से मिलती है तो उसकी ज़िंदगी भी खतरे में आ जाएगी। वहीं कल्याणी मल्हार के लिए टेंशन लेती है, वो बालकनी से जंप करने के बारे में सोचती है। अनुप्रिया को गिरने की आवाज़ आती है और वो कल्याणी के लिए टेंशन ले लेती है। आओ साहब अनुप्रिया को दिया ढूंढने के लिए कहती हैं कि मैं कल्याणी की सेफ्टी के लिए प्रे करूंगी। वहीं स्टोर रूम में अनुप्रिया का पैर चूहे की मशीन में फंस जाता है और बुरी तरह से खून निकलने लगता है। आओ साहब विक्रम को अपना काम पूरा करने के लिए कहती हैं, उसे कभी भी कल्याणी और मल्हार को अपने साथ दुर्व्यवहार नहीं करने देना चाहिए, उन्हें सजा देने की ज़रूरत है। कल्याणी ऑटो में हॉस्पिटल की ओर जा रही होती है, उसने मल्हार की जीप देखी और ऑटो को रोक दिया। वो एक बार मल्हार को बेहोश पाकर चिल्लाती है। विक्रम ने कल्याणी के चेहरे पर एक कपड़े का टुकड़ा रखा। जब वो बेहोश हो जाती हैं तो विक्रम अपने आदमी और जीप को सुनसान स्थान पर ले जाने के लिए कहता है। स्टोर रूम में अनुप्रिया पल्लवी को विक्रम से बात करती सुनती है। वो मल्हार के स्थान पर कल्याणी के अपमान के बारे में चर्चा करती हैं। अनुप्रिया सोचती है कि उसे आओ साहब को नहीं बताना चाहिए, उसे पहले विक्रम के इरादों के बारे में खुद जान लेना चाहिए। विक्रम कल्याणी और मल्हार को मल्हार के घर में ही एक बिस्तर पर लेटा देता है। वहीं हॉस्पिटल में अवनी को होश आ जाता है। विक्रम उनके लिए फूल लेकर आते हैं, वो उस पर गुस्सा करती हैं। वो उसे रखने के लिए कहता है, वो उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करता है। उन्होंने अफसोस जताया कि मल्हार यहाँ नहीं था। अवनी गुस्से में थी, वो अपने फूल लौटाती है और उसे छोड़ने के लिए कहती है। मल्हार ने उसके लिए कार भेजी है और वो उसका बहुत ख्याल रखता है। वहीं विक्रम ये बात कहता है कि मल्हार ने उसके लिए कार भेजी है और वो उसका बहुत ख्याल रखता है। विक्रम को लगता है कि वो ये सोचकर बेवकूफ है कि मल्हार ने उसके लिए कार भेजी है। वो उस दृश्य के लिए उसे शुभकामनाएं देता है जो उसका इंतजार करता है। अवनी ने मल्हार को फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अवनी ड्राइवर को तेजी से जाने का अनुरोध करती है। अनुप्रिया मल्हार के घर की ओर चलने के लिए संघर्ष करती है। आओ साहब स्टोर में अनुप्रिया की तलाश करती है। वो स्टोर रूम के फर्श पर खून के धब्बे देखती है और जिससे खिड़की की ओर जाती है। वो विक्रम को चेतावनी देती है कि अनुप्रिया घर छोड़कर अवनी से पहले मल्हार के घर पहुंच सकती है। अवनी घर जाती है और कमरे के दरवाजे की ओर जाती है। कमरे में मल्हार और कल्याणी को साथ लेटे देखकर वो चौंक जाती है। मतलब आगे क्या होगा, क्या अवनी मल्हार से अपना रिश्ता तोड़ देंगी, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।